हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। कैपिटल गेमिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको जो यहाँ पर एक तरीके से दिखाई दे रहा है उसकी बात कराऊँ तो एक यहाँ पर चार्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक जो आपको कंपनी का नाम नहीं पता, यानी कंपनी का नाम आपको जो यहाँ पर विजिबल नहीं है। यहाँ पर जो कंपनी का नाम आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत ही बढ़िया और हाई क्वालिटी स्टॉक है और आप इसे अच्छे से जानते भी हैं। तो आज जो इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे और उसमें चार्टिंग पैटर्न पे करेंगे और यहाँ पर एक बड़ी बहुत ही एग्जीक्यूट हुई है तो उस इम्पैक्ट यहाँ पर स्टॉक पे किस टाइप की दिखाई देंगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर चार्ट है, उसमें बात करेंगे लंबे टाइम पे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर उसको ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो बात करते हैं तो 2 अगस्त को जो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा है उसकी बात करते हैं तो वो था 1776 रुपीज़ का, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है। उसके बाद फिर बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्टॉक में बढ़िया मूवमेंट भी दिखाई दे रही है उसके बाद से, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर अगस्त की बात करते हैं तो अगस्त, सितंबर, उन सभी यहाँ पर टाइम पीरियड में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिखाई दी। और स्टॉक में देखते ही देखते फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ 2600 के ऊपर जो यहाँ पर हाई बना दिया, यानी कि ऑलमोस्ट 2700 यहाँ आसपास उसके बाद यहाँ पर हाई बना दिए। उसके बाद जो स्टॉक में थोड़ा सा मूवमेंट कंसोलिडेट हुआ और यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट भी दिखाई। और फ्रेंड्स यहाँ पर 2100 के आसपास जो यहाँ पर सपोर्ट देता हुआ दिखाई दिया, 2150 के आसपास, वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाई दिया और पीछे उसी लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश, लेकिन वहाँ पर जो यहाँ पर एक कोशिश नाकाम रही और फिर से गिरावट देखने को। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कंटिन्यूएशन ऐसा कंसोलिडेशन फेस दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्रेंड्स अभी जो यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर के आ रही है उसकी जो डेफिनेटली इम्पैक्ट यहाँ पर स्टॉक के प्राइस पे मिलने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर कंपनी जो अपने आप में बहुत ही ताकड़ है और यहाँ पर अपने आप में हाई क्वालिटी स्टॉक है, तो आपको उसको भी कंसिडर करना होगा। लेकिन स्टॉक का नाम फ्रेंड्स आपको जो थोड़ी देर में पता डेफिनेटली चल ही नहीं वाला, तो आपको जो थोड़ा सा यहाँ पर वेट भी करना होगा, क्योंकि आपको जो यहाँ पर एक तरीके से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको जो यहाँ पर अपना जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लूज आउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको लेकर के चलता हूँ उस आर्टिकल पे जहाँ पर जो है न्यूज़ यहाँ पर पब्लिश हुई है। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे और यहाँ पर बताया जा रहा है कि टाइटन कंपनीज आम, यानी कि जो टाइटन कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनी है, वो अक्वायर करने जा रही है 17.5% का स्टेक, यानी कि जो दूसरी कंपनी में अपनी होल्डिंग को यहाँ पर इंक्रीज करने की बात हो रही है, जो कि टाइटन कंपनी है, जो कि आप उसे अच्छे से जानते हैं, बहुत ही मार्केट लीडर और यहाँ पर अपने आप में बहुत ही बढ़िया कंपनी है, यहाँ पर एक तरीके से फैशन और उस टाइप की यहाँ पर एक तरीके से सभी चीज़ों में। तो उसमें जो यहाँ पर ग्रेट हाइट्स इनकॉर्पोरेशन है, वो यहाँ पर US की कंपनी है, उसको जो $20 मिलियन की बहुत ही बड़ी डील करने जा रही है, तो जिसकी वजह से जो कंपनी के स्टॉक पे और यहाँ पर कंपनी में भी बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अपने आप में बहुत ही बड़ी कंपनी है यहाँ पर ग्रेट हाइट्स इनकॉर्पोरेशन, और वो यहाँ पर बहुत ही प्रेस्टिशियस कंपनी है यहाँ पर US में, और उसमें जो $20 मिलियन का यहाँ पर स्टेक यहाँ पर हाइक तरीके से हाइक करने जा रही है टाइटन, तो वहाँ पर जो उसका जो 150 करोड़ के आसपास यहाँ पर टोटल डील हो रही है, तो उसने आप में बहुत ही बढ़िया यहाँ पर लंबी और एक तरीके से बहुत ही बड़ी डील दिखाई दे रही है। यहाँ पर बताया गया फ्रेंड्स कि टाटा ग्रुप की जो फर्म है टाइटन कंपनी लिमिटेड, जिसे आप अच्छे से जानते हैं, अगर फ्राइडे की कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसकी सब्सिडरी कंपनी है इंक्ड अप एक्ट, जो कि वो अक्वायर करने जा रही है 17.5% की वोटिंग राइट्स इन US बेज कंपनी है ग्रेट हाइट्स इनकॉर्पोरेशन फॉर $20 मिलियन, अराउंड रहता है 152 करोड़ का। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही बड़ी बातें निकल कर कह रही कि टाइटन जो यहाँ पर बहुत ही बड़ा स्टेक होल्डिंग लेने जा रही है। उसके बाद बात करते हैं तो TCL नॉर्थ अमेरिकन इनकॉर्पोरेशन है, जो कि यहाँ वोली ओन सब्सिडरी है ऑफ दी कंपनी, तो हैज साइंड अ स्टॉक परचेस अग्रीमेंट विथ ग्रेट हाइट्स, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ग्रेट हाइट्स के साथ स्टॉक परचेसिंग का अग्रीमेंट भी साइन हो चुका है विथ अ वोटिंग प्रीफर्ड, यानी कि यहाँ पर जो है एक तरीके से स्टॉक इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ ग्रेट हाइट्स ज्वेलरी एंड वॉच मेकर साइड ऑन द रेगुलर फाइलिंग में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो रेगुलेटरी फाइलिंग में ऐसा बताया गया है, तो वो यहाँ पर जो एक तरीके से उसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, क्योंकि टाइटन भी यहाँ पर वॉच इंडस्ट्री में है। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं तो डायमंड और ज्वेलरी मेकिंग में भी यहाँ पर ये ग्रेट हाइट्स इनकॉर्पोरेशन दिखाई दे रही है, तो जो उसका डेफिनेटली यहाँ पर टाइटन को फायदा मिलने वाला है, तो उसका जो आने वाले टाइम पे टाइटन के स्टॉक को आपको डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए और आपको जो यहाँ पर एक तरीके से देखना चाहिए कि किस टाइप की यहाँ पर बातें निकल करके टाइटन कंपनी की तरफ से। सो फ्रेंड्स इस वीडियो के जरिए आपको कुछ हेल्प मिल रही है या फिर आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।